आजादी के 75 साल की 75 कहानियों में आज भारतीय इतिहास के उस पन्ने को खोलेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। हम जब भी भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं तो फौरन ज़हन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, पर क्या वाकई सच है? क्योंकि इतिहास का एक पन्ना वो भी है जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बरकतुल्ला खां भोपाली बताया गया है। यह सुनकर हैरानी हो सकती है, पर इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता है कि पंडित नेहरू से पहले ही भारत के एक प्रधानमंत्री बने थे और उस शख्स का नाम था बरकतुल्ला खां भोपाली। देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर आपका तनाव और बढ़े इससे पहले समझ ले कि यहाँ जिन बरकतुल्ला खां की बात हो रही है उनके प्रधानमंत्री चुने जाने के वक्त भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जबकि पंडित नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कहलाए। इसलिए लोगों ने पंडित नेहरू के बारे में ज्यादा पढ़ा और सुना, लेकिन बरकतुल्ला खां भी वो शख्स है जिनके बारे में बात होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बरकतुल्ला खां थे कौन जिन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। बरकतुल्ला खां साल 1858 में भोपाल में पैदा हुए। उन्होंने स्कूली तालीम भोपाल में ही हासिल की, फिर मुंबई चले गए। मुंबई में पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1887 में उन्होंने इंग्लैंड का रुख किया। इंग्लैंड में बरकतुल्ला की मुलाकात प्रवासी हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के संरक्षक श्याम जी कृष्ण वर्मा से हुई। बस कुछ ही घंटों की इस मुलाकात ने बरकतुल्ला के मन में गहरी छाप छोड़ी। वो भारत की आजादी के लिए मुखर साबित हुए। जब वो जर्मनी पहुंचे तो यहाँ वो राजा महेंद्र प्रताप के राबते में आए। दोनों जल्द ही बड़े गहरे दोस्त बन गए। ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन को भारत तक पहुंचाने के लिए दोनों ने साथ में तुर्की, बगदाद और फिर अफगानिस्तान का सफर किया। साल 1915 में राजा महेंद्र प्रताप और फिर बरकतुल्ला ने अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार का गठन किया। अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति बने राजा महेंद्र प्रताप और प्रधानमंत्री बने बरकतुल्ला खां। 27 सितंबर 1927 को आजादी के इस मतवाले बरकतुल्ला खां ने अमेरिका में अपनी आखिरी सांस ली।